साथियों, कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है, इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर और इसी तरह हमारा ये पूरा हिंदुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े, ये तय करने का ये सबक हमें सीखा है। भारत में ये विचार सदियों से रहा है, लेकिन आज बदली हुई परिस्थितियों ने हमें फिर से याद दिलाया है, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। हमारे देश की ग्राम पंचायतों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गांव का भी आधार है और इसलिए पंचायत की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ आखिरी छोर पर बैठा हुआ उस सामान्य व्यक्ति तक पहुंचेगा। साथियों, इसी सोच के साथ सरकार ने पंचायती राज से जुड़ी व्यवस्थाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। वरना 5-6 साल पहले एक दौर वो भी था जब देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी थी। आज 1.25 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, गांवों में कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या भी 3 लाख को पार कर रही है। सरकार ने भारत में ही मोबाइल बनाने का जो अभियान चलाया हुआ है उसी का नतीजा है कि आज गांव-गांव तक कम कीमत वाले स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। ये जो आज इतने बड़े पैमाने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, लाखों लोग जुड़े हैं, इसमें इन सारी बातों का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, कभी कभी मुझे लगता है कि जीवन की सच्ची शिक्षा की कसौटी, उसकी परीक्षा संकट के समय ही होती है। अगर आप प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में हैं, चारों तरफ से संभले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तो आप में सामर्थ्य है कि नहीं इसका पता ही नहीं चलता। बहुत देखरेख भरे माहौल में
सच्ची शिक्षा का पता कभी नहीं चलता, सच्चे सामर्थ्य का भी पता नहीं चलता है। इस कोरोना संकट ने दिखा दिया है कि देश के गांव में रहने वाले लोग, भले ही उन्होंने बड़ी बड़ी और नामी यूनिवर्सिटी में शिक्षा न ली हो, लेकिन इस दौरान उन्होंने, मतलब आप सब ने, अपने संस्कारों, अपनी परंपराओं की शिक्षा के अद्भुत दर्शन कराए हैं। गांवों से जो अपडेट आ रहा है, जो जानकारी आ रही है, वो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी प्रेरणा देने वाली बातें हैं। मेरे साथियों, ये काम आपने किया है, आपके गांव के प्रत्येक नागरिक ने किया है, माताओं बहनों ने किया है, मेरे आदिवासी भाई बहनों ने, खेत खलिहान में काम करने वालों ने, फसल कटाई और बुआई में जुटे साथियों ने, देश को प्रेरणा देने वाला अद्भुत काम आपने किया है। और इसलिए मैं हिंदुस्तान के हर गांव को, हर गांव वासियों को प्रणाम करता हूं। आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है, और मैं मानता हूं हमारे देश के हर कोने में आपका दिया हुआ ये मंत्र बहुत काम आएगा। आपने बड़े सिंपल शब्दों में ने कह दिया, न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया, न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, दो गज दूरी का, दो गज दूरी का, या कहें दो गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। दो गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं, किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं, और ये आपके ही प्रयास है कि आज दुनिया में चर्चा हो रही है कि कोरोना को भारत ने किस तरह जवाब दिया है। साथियों, इतना बड़ा संकट आया, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई, लेकिन इन दो तीन महीनों में हमने ये भी देखा है कि भारत का नागरिक सीमित संसाधनों के बीच, अनेक कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय उसे टकरा रहा है, लोहा ले रहा है। ये सही है कि रुकावटें आ रही हैं, परेशानी हो रही है, लेकिन संकल्प का सामर्थ्य दिखाते हुए, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए, नए नए तरीके खोजते हुए, देश को बचाने का और देश को आगे बढ़ाने का काम निरंतर जारी है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि मेरे स्वराज की कल्पना का आधार ग्राम स्वराज ही है, इसलिए ग्राम पंचायतें हमारे लोकतंत्र की एकजुट शक्ति का केंद्र है। हमारी लोकतांत्रिक एकजुटता का यही सबसे बड़ा ताकतवर केंद्र है। और हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है, संगमूलम महाबलम, अर्थात बड़ी से बड़ी शक्ति का केंद्र संगठन या एकजुटता में ही होता है। और इसलिए आज की परिस्थिति में देश को आगे ले जाने की शुरुआत, देश को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत
गांव की सामूहिक शक्ति से ही होगी। आप सबकी एकजुटता से ही संभव होगी। इन प्रयासों के बीच हमें ये याद रखना है कि किसी एक की भी लापरवाही, एक की भी लापरवाही पूरे गांव को खतरे में डाल सकती है। इसलिए ढील की जरा भी गुंजाइश नहीं है। गांव में सैनिटाइजेशन अभियान हो, शहर से आने वाले लोगों के लिए इतने कम समय में क्वारंटाइन सेंटर बनाने का काम हो, हर एक व्यक्ति के खान पान और जरूरत की चिंता हो, या फिर आम लोगों को जागरूक करने का काम हो, ये काम हमें निरंतर बिना रुके बिना थके करते ही रहना है। और जैसे इकबाल जी ने अभी बताया, जम्मू कश्मीर के अपने साथी ने, रिस्पेक्ट भी करो और सस्पेक्ट भी करो। मैं समझता हूं गांव में बुजुर्ग, दिव्यांग या फिर बीमार लोगों की सबसे पहली पहुंच, उसको कुछ भी कठिनाई होगी तो पहले आपके पास आएगा। इसलिए सबसे पहला समाधान भी गांव के पंच और गांव के प्रधान के पास ही होना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, दो गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, दो गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं एक बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो, आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। हमें बचाव और स्वच्छता पर ज्यादा बल इसलिए भी देना है क्योंकि गर्मी और बरसात के मौसम में अनेक प्रकार की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और हमारे बारिश के दिन आने की शुरुआत होने वाली है। इस बार कोरोना बीमारी ने इस खतरे के लिए और अधिक चिंता का कारण बना दिया है। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहते हुए अपने गांव को बचाना है। साथियों, हमारा अतीत का अनुभव बताता है कि बीमारियां और उनके इलाज के बारे में गलत जानकारियों की वजह से हमें बीमारियों को रोकने में काफी दिक्कत आती है, काफी समय चला जाता है। इस बार हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें हर प्रकार की गलतफहमी से लोगों को बाहर निकालना है। हर परिवार तक सही जानकारी, चाहे वो बचाव को लेकर हो या फिर इसके इलाज के लिए, ये जानकारी पहुंचाने की चाहिए। इसके लिए आप छोटी छोटी टोलियां बनाकर, और मैंने सुना कई सरपंचों ने कहा उन्होंने गांव में छोटे 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 टोलियां बना दी, अलग अलग काम के लिए लोगों को संगठित कर दिया है, टोलियां बनाकर जागरूकता के अभियान को तेज कर सकते हैं। आशा है, एएनएम है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसकी बहनें हैं, युवा मंडल है, पूर्व सैनिक है, दूसरे संगठनों से भी कई लोग आए हैं, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये संगठन भी हैं। हर किसी की मदद लेनी चाहिए, हर किसी को जोड़ना चाहिए।